डोले शोले वाला आयुष्मान खुराना बढ़िया परफॉर्म करती हुई वाणी कपूर, जोरदार केमिस्ट्री वाला रोमांस और साथ में एक ऐसा सीरियस इशू जिसे एंटरटेनमेंट को कॉम्प्रोमाइज किए बिना सेंसिटिवली ट्रीट किया गया है, साथ में चंडीगढ़ वाली शोशा और वूफर फाड़ गाने। चंडीगढ़ करे आशिकी एंटरटेनमेंट की फुल ऑन गारंटी है। आयुष्मान खुराना तो जो है वो बताने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन वाणी कपूर को इस बार फिल्म में खुद प्रोडक्ट की तरह देखने की बजाय प्रोडक्ट प्लेसमेंट करता देखकर बहुत अच्छा लगा। यही वो वाणी कपूर है जिसके फैन हम शुद्ध देसी रोमांस देखकर हुए थे। और इस फिल्म के नाम से याद आया कि केदारनाथ डायरेक्ट कर चुके अभिषेक कपूर ने अपनी नई फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को डेडिकेट की है। आयुष्मान का कैरेक्टर मनु मुंजाल चंडीगढ़ में अपना एक जिम चलाता है और ट्रेडमार्क पंजाबियत का टॉप क्लास सैंपल है। बंदा लोहा घिस के बॉडी बनाता है, एक एक कट डिस्प्ले पर रखने वाले कपड़े पहनता है, बॉडी की आजमाइश के लिए हर साल एक लोकल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है और उसे जीतने की तमन्ना भी रखता है। लोहा पेलना, डोले बढ़ाना, डाइट मेंटेन करना और चेलों के साथ मस्ती मारते रहना, यही मनु मुंजाल की लाइफ का गोल है। और फिर कहानी में एंट्री होती है मानवी यानी वाणी कपूर की। मानवी उस टाइप की लड़की है जिसे देखने के बाद दुनिया में ग्रेविटी खत्म हो जाती है और लड़के हवा में उड़ने लगते हैं। उसे देखने के बाद न्यूटन के लॉस बदल जाते हैं और मानवी खुद एक्शन करे या ना करे सामने वाले बंदों के अंदर रिएक्शन होते रहते हैं। बस फिर हमारा सख्त नौंडा पिघल जाता है और फिर शुरू होता है भभकते हुए रोमांस का ऐसा दौर जिसके आगे आग भी पानी मांगे। हालांकि मानवी का अपना एक पास्ट है और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर इस पास्ट का मतलब एक्स लव या फिर खराब रिलेशनशिप या फिर पुरानी शादी बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जो मतलब है वो बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव इशू है। आयुष्मान की पिछली फिल्मों की तरह यहाँ पर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इशू है उसे देखकर आपके दिमाग की खिड़कियाँ खड़कने लग जाएंगी। स्टार्टिंग में जब ये इशू स्क्रीन पर आना शुरू होता है तो आपको थिएटर में बहुत सारे लोग हंसते हुए मिल सकते हैं या फिर हो सकता है कि आप भी हंस रहे हों, लेकिन एक्चुअली ये डायरेक्टर की बहुत बड़ी जीत है। जब फिल्म इस हंसी का ट्रीटमेंट करती है तो मामला अच्छा खासा सीरियस और इमोशनल हो जाएगा। वाणी कपूर ने शुरुआत से ही अपने कैरेक्टर को इतना घस के पकड़ा है कि स्क्रीन पर आयुष्मान की ब्रिलियंस के साथ वो परफेक्टली सिंक में नजर आती हैं। वाणी कपूर के जो शाइनिंग मोमेंट्स स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, एक्चुअली उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़ोरदार है कि वो शाइनिंग मोमेंट्स आपको अपनी आंखों के आगे चमकते हुए फील होंगे। और आयुष्मान की क्या बात करें, आयुष्मान जो दिखता पंजाबी है, बोलता पंजाबी है, चलता पंजाबी है, हिलता डुलता, उसके हर एक एटीट्यूड में पंजाबियत जम के भरी हुई है और ये आयुष्मान की एक और बढ़िया परफॉर्मेंस है। डायरेक्टर अभिषेक कपूर की तारीफ है जो उन्होंने एक सेंसिटिव मुद्दे को तमीज से ट्रीट करते हुए फिल्म का एंटरटेनमेंट भी कायदे से बनाए रखा। डायलॉग्स चटपटे हैं और माहौल जमाए रखते हैं। फिल्म के गाने स्टोरी को सूट करते हैं और वैसे भी काफ़ी चलेंगे। स्टोरी की पेसिंग फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकेंड हाफ में थोड़ी सी स्लो ज़रूर हुई, लेकिन ओवरऑल फिल्म आपका अटेंशन पकड़ के रखेगी। चंडीगढ़ करे आशिकी ज़रूर देख डालें, एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही, साथ में दिमाग के दरवाजे भी खुलेंगे और वैसे भी भरे हुए थिएटर में फिल्म देखने का मज़ा ही कुछ और है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। हमारी तरफ से आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर स्टारर चंडीगढ़ करे आशिकी को 4 स्टार्स।